हाँ तो क्रैनियल नर्व पढ़ रहे थे हम, क्रैनियल नर्व, और क्रैनियल नर्व के नंबर्स देख लिए थे हमने, कहा था कि क्रैनियल नर्व जो थी, क्रैनियल नर्व हमने कहा था नंबर पेयर के अंदर होती है 12, 12 जोड़ी होती है, यानी कि नंबर के अंदर कितनी 24, 24 होती है नंबर के अंदर। और हमने अलग अलग नाम देखे थे, हमने कहा था एक्ट्रिक बनाई थी 3O 2T आग फेर वी गवा है ना, ऐसा एक ट्रिक बनाया था। और हमने कहा था सबसे पहले होता है ओल्फैक्ट्री, ऑप्टिक, ऑक्युलोमोटर, ट्रोकलियर, ट्राइजर्मिनल, एब्लुसेंट, फेशियल, वेस्टिब्यूल ऑफ ऑकुलियर, ग्लॉसोफेरिंजियल, ग्लॉसोफेरिंजियल, वेगस, एसेसरी एंड हाइपोग्लॉसल। ये 12 क्रैनियल नर्व की जिनके नाम हम देख चुके थे, सबसे पहला था ओल्फैक्ट्री, ऑप्टिक, ऑक्लोमोटर, ट्रोक्लियर, ट्राइजर्मिनल, एब्डोसेंट, फेशियल, वेस्टिब्यूल ऑफ ऑक्लियर, देन ग्लॉसोफेरिंजियल, देन वेगस, देन एसेसरी एंड हाइपोग्लॉसल। 12 की 12 क्रैनियल नर्व थी। सबसे पहले हमने कहा था कि सेंसरी, सेंसरी मोटर, सेंसरी सेंसरी मोटर मोटर मिक्स मोटर मिक्स सेंसरी मिक्स मिक्स एंड तो ऑल्फैक्टरी सबसे पहली क्रैनियल नर्व रहती है, और जिसको हमने बोला सेंसरी नर्व, और सेंसरी है तो मतलब ये क्या करेगी, सेंसेशन लेके जाएगी। कहां से लेके जाएगी, तो ऑल्फैक्टरी वर्ड का मतलब है ऑल्फैक्शन, और ऑल्फैक्शन का मतलब है स्मेल। तो यानी कि स्मेल का एहसास कराने का काम जो है वो कौन करता है, नोज करने का काम करती है नोज। तो ये जो नर्व है ये क्या करेगी, नोज से इंपल्स लेके कहां जाएगी, ब्रेन के पास। और ब्रेन में कौन है, ब्रेन में जो ऑल्फैक्शन का एरिया है यानी कि ऑल्फैक्टरी एरिया है वो कहां है, टेम्पोरल लोब में। और ब्रेन में कहां, टेम्पोरल लोब, और टेम्पोरल लोब में किसके पास, ऑल्फैक्टरी एरिया। इस तरीके से क्या करेगी, ये इंपल्स को लेके जाएगी और स्मेल का एहसास कराने का काम करेगी। तो अगर हम बात करें तो नर्व ये क्या करेगी, इंपल्स को कैरी करेगी, और कहां से, फ्रॉम नोज टू द ब्रेन, ब्रेन में कौन, टेम्पोरल लोब, और टेम्पोरल लोब में ऑल्फैक्टरी एरिया। तो द इंपल्स, इंपल्स कैरीड आउट बाय ऑल्फैक्टरी नर्व, कैरीड आउट बाय ऑल्फैक्टरी नर्व फ्रॉम ऑल्फैक्टरी नर्व फ्रॉम नोज टू, फ्रॉम नोज टू द ब्रेन, और ब्रेन में टेम्पोरल लोब। तो ऑल्फैक्टरी नर्व इंपल्स को कैरीड आउट करेगी कहां से, नोज से कहां तक, ब्रेन तक, और ब्रेन में कौन, टेम्पोरल लोब, और टेम्पोरल लोब में कौन, ऑल्फैक्टरी एरिया, टेम्पोरल लोब में ऑल्फैक्टरी एरिया। टेम्पोरल लोब में ऑल्फैक्टरी एरिया, और यहां जाके क्या करेगी, ये स्मेल का एहसास कराने का काम करेगी। तो ऑल्फैक्टरी जिसको बोला सेंसरी नर्व है ये, और इंपल्स को कैरीड आउट करेगी ना, ऑल्फैक्टरी नर्व कहां से, नोज से ब्रेन में, ब्रेन में कौन सा पार्ट, तो टेम्पोरल लोब, और टेम्पोरल लोब में कौन, ऑल्फैक्टरी एरिया। जब हमने पढ़ा था तो इस तरीके से हमने सेरिब्रम का डायग्राम बनाया था है ना, और ये सामने की तरफ जो था वो था फ्रंटल लोब, और
इधर था ऑक्सीपिटल, इधर था पैराइटल और इधर था टेम्पोरल। और टेम्पोरल में हमने तीन एरियाज पढ़े थे, एक पढ़ा था वर्निकस एरिया, एक था ऑडिटरी का एरिया और एक था ऑल्फैक्टरी का एरिया। इसका ऐसे भी याद रखा जा सकता है, वाओ टेम्पोरल, वाओ टेम्पोरल, वाओ टेम्पोरल के नाम से भी याद रखा जा सकता है। डब्ल्यू का मतलब वर्निकस, ए का मतलब ऑडिटरी एंड ओ का मतलब ऑल्फैक्टरी। तो ऑल्फैक्टरी एरिया किसके लिए काम में आता है? स्मेल के लिए काम में आता है। और कहां से इंपल्स आएगी? ये ऑल्फैक्टरी नर्व नोज से टेम्पोरल लोब के अंदर ऑल्फैक्टरी एरिया तक क्या करेगी? इंपल्स को लेकर जाएगी। जबकि जो है हाँ, पैराइटल में हमने दो एरिया पढ़े थे, गैस्ट्रेटरी एरिया एंड सोमेटोसेंसरी एरिया, है ना। तो सबसे पहली बात हुई ऑल्फैक्टरी नर्व के बारे में, और ऑल्फैक्टरी नर्व क्या करने का काम करेगी? ऑल्फैक्शन कराएगी, स्मेल का एहसास कराने का काम करेगी। नेक्स्ट दूसरी नर्व जो रहती है वो रहती है ऑप्टिक नर्व। सेकंड इज ऑप्टिक नर्व। सेकंड इज ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व, ये ऑप्टिक नर्व जो है ये भी कैसी नर्व है? सेंसरी नर्व है। कैसी नर्व है? सेंसरी नर्व है। सेंसरी है तो ये क्या करेगी? सेंसेशन लेके जाने का काम करेगी, सेंसेशन लेके जाएगी। और ऑप्टिक नर्व है ये किसके लिए जिम्मेदार होती है? देखने के लिए, विजुअलाइजेशन के लिए, विजन के लिए जिम्मेदार नर्व है। विजन के लिए जिम्मेदार है, तो विजन के लिए जिम्मेदार है तो ये देखने के लिए काम आएगी, है ना, देखने का काम करेगी। तो कहां से सप्लाई करेगी ये? तो आई से इंपल्स लेके जाएगी। कहां से? आई से इंपल्स लेके जाएगी। और आई से इंपल्स कहां लेके जाएगी? ब्रेन के पास। आई से इंपल्स लेके जाएगी कहां? ब्रेन के पास। और ब्रेन में कहां पे? तो ब्रेन में एरिया है कौन सा? ऑक्सीपिटल एरिया, ऑक्सीपिटल एरिया। और ऑक्सीपिटल एरिया में भी विजुअल का एरिया, ऑप्टिक नर्व विजन के लिए काम करेगी। तो विजन के लिए काम करेगी तो विजन का ऑर्गन है आई। आई से इंपल्स को लेके ब्रेन के अंदर जाएगी, ब्रेन के अंदर ऑक्सीपिटल एरिया के अंदर, और ऑक्सीपिटल एरिया के अंदर विजुअल एरिया है, वहां पे क्या करेगी? इंपल्स को लेके जाएगी और देखने का काम करेगी। तो द इंपल्स is carried out by the optic nerve। Impulse जो है वो carried out करेगी कौन? Optic nerve। कहां से? From the eye, from the eye to brain। आई से ब्रेन, और ब्रेन में कौन? तो इनटू द ऑक्सीपिटल एरिया। कौन? ऑक्सीपिटल एरिया या ऑक्सीपिटल लोब के अंदर जाएगी। और ऑक्सीपिटल लोब में कौन है? विजुअल का एरिया है, वहां पे क्या करेगी ये? इंपल्स को लेके जाएगी और क्या करेगी? देखने का काम करेगी। ऑप्टिक नर्व सेंसरी नर्व है, विजन का काम करेगी, देखने के लिए जिम्मेदार नर्व रहेगी। तो देखने के लिए ऑर्गन कौन है? आई। आई से इंपल्स को लेके जाएगी, और इंपल्स लेके कहां जाएगी? ब्रेन में। ब्रेन में कहां? ऑक्सीपिटल लोब। ऑक्सीपिटल लोब में कौन है? विजुअल का एरिया है, और वहां जाके ये क्या करेगी? इंपल्स को ले जाके देगी और देखने का काम करेगी। तो फर्स्ट हुआ ऑल्फैक्टरी नर्व जो सेंसरी नर्व थी, सेकंड वन इज ऑप्टिक जो सेंसरी नर्व है। आगे रहती है ओकुलोमोटर, थर्ड नर्व रहेगी ओकुलोमोटर। तीसरी नर्व है ओकुलोमोटर, जो कौन सी नर्व है? मोटर की नर्व है। इसके अलावा एक फोर्थ नंबर की नर्व है ट्रोकलियर, ये भी कैसी नर्व है?
मोटर की नर्व है और एक 6 नंबर नर्व होती है ना, जिसको बोला एब्डुसेंट। एब्डुसेंट और एब्डुसेंट भी कैसी नर्व है, मोटर की नर्व है। तीनों की तीनों नर्व क्या काम करेगी, आई के मूवमेंट के लिए काम आएगी। तीनों के तीनों नर्व क्या करेगी, आई का मूवमेंट करवाने का काम करेगी। तीनों नर्व आई को क्या करवाएगी, मूवमेंट करवाएगी, क्योंकि मोटर की नर्व है और मोटर का काम है मूवमेंट करवाना। अब ये मूवमेंट कैसे करवाएगी, तो अगर डायग्राम के थ्रू हम देखें, ये जो है ये आई रहती है ना, आई रहती है, ये जो रहता है ये आई का लैटरल पार्ट है, ये लैटरल पार्ट है, इसका भी ये कौन सा पार्ट है, लैटरल पार्ट है। ये जो बीच में है ये मीडियल पार्ट है, मीडियल दोनों का बीचों बीच जो पार्ट है ये कौन सा पार्ट है, मीडियल पार्ट है। नीचे की तरफ है वो है इंफीरियर, इंफीरियर एंड ऊपर जो है वो है सुपीरियर, इंफीरियर एंड सुपीरियर। चार पार्ट हुए आई के, जो ऊपर की तरफ है उसको बोला सुपीरियर, और रेक्टस वर्ड काम में लिया जाता है आई के एजेस के लिए, रेक्टस वर्ड, तो ये क्या हो गया सुपीरियर रेक्टस। नीचे की तरफ है उसके लिए इन्फीरियर रेक्टस, है ना, इन्फीरियर रेक्टस। जो बीचों बीच है वो मीडियल रेक्टस, और जो लेटरल में है वो लेटरल रेक्टस। सुपीरियर रेक्टस, इन्फीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस, लेटरल रेक्टस। ये रेक्टस क्या काम करेंगे, तो जो लैटरल है वो क्या करेगा, लैटरल साइड का मूवमेंट करेगा। ये जो है ये कॉर्निया है, इसका लैटरल साइड मूवमेंट कौन करवाने का काम करता है, लैटरल रेक्टस। इसको नीचे की तरफ मूवमेंट करवाना है तो कौन करवाएगा, इंफीरियर रेक्टस। इसको ऊपर लेके जाना है तो कौन लेके जाएगा, सुपीरियर रेक्टस। और इसको जब मिडल पार्ट में लेके जाना है तो कौन लेके जाएगा, मीडियल रेक्टस। ये तो काम हो गए रेक्टस के। बट आई जो होती है ये जो कॉर्निया जो है ये ऊपर की तरफ और अंदर की तरफ भी मूव कर लेता है ना, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ भी मूव कर लेता है, बाहर की तरफ नीचे भी मूव कर लेता है, और ऊपर की तरफ नीचे भी, ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ भी मूव कर लेता है ना। तो ये तो मूवमेंट हमने देख लिया कि ऊपर की तरफ नीचे की तरफ साइड में और अंदर की तरफ ये मूवमेंट कैसे हुए। तो ये चार स्ट्रक्चर हमने पढ़ी, लैटरल रेक्टस जो है वो बाहर की तरफ मूवमेंट कराता है ना, सुपीरियर रेक्टस ऊपर की तरफ, इंफीरियर रेक्टस नीचे की तरफ, एंड मीडियल रेक्टस अंदर की तरफ। बट कुछ मूवमेंट और भी होते हैं आई के अंदर, जो कुछ और भी मूवमेंट है, जैसे ये जो कॉर्निया वाला पार्ट है ये ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ भी मूव कर लेता है ना, अंदर की तरफ नीचे की तरफ भी मूव कर लेता है। ये कैसे मूवमेंट होती है, या जैसे ऊपर की तरफ, अंदर की तरफ, नीचे की तरफ, बाहर की तरफ, ऐसे मूवमेंट भी है, ये मूवमेंट कैसे होते हैं। तो इन मूवमेंट को करवाने के लिए भी यहां कुछ मसल्स प्रेजेंट है, इन मूवमेंट के लिए भी क्या है कुछ मसल्स प्रेजेंट है। और अगर उन मसल्स की हम बात करें,
कुछ इस तरीके से मसल्स प्रेजेंट होती है यहाँ पे, है ना, कुछ ऐसी मसल्स होती है जिनको हमने बोला सुपीरियर ऑब्लिक, सुपीरियर ऑब्लिक, जो क्या कराएंगे ईसाई को ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ, नीचे की तरफ अंदर की तरफ, है ना, या इधर वाले की बात करूं तो ऊपर की तरफ बाहर की तरफ नीचे की तरफ अंदर की तरफ मूव करवाएगी, है ना। कुछ ऐसी मसल्स प्रेजेंट होगी जो अंदर की तरफ ऊपर लेके जाएगी, नीचे की तरफ बाहर लेके आएगी, है ना। तो वो जो है वो कौन सी मसल्स होगी, ये क्या हो जाएंगी, इनफीरियर ऑब्लिक मसल कहलाएगी, है ना। जिन्होंने क्या किया, इस मसल्स को जो आई का जो कॉर्निया वाला पार्ट है या देखने के लिए आई बॉल जो है, आई बॉल को क्या करवाया, बाहर की तरफ ऊपर की तरफ अंदर की तरफ नीचे की तरफ मूव करवा रहा है, वो तो है सुपीरियर ऑब्लिक, है ना। और जो बाहर की तरफ नीचे की तरफ अंदर की तरफ ऊपर की तरफ मूवमेंट करवा रहा है वो है इनफीरियर ऑब्लिक, इनफीरियर ऑब्लिक, इनफीरियर ऑब्लिक, और ये है सुपीरियर ऑब्लिक। तो ये तो हमने देख लिया कि आईज के अंदर यही ये मसल्स हैं और इन मसल्स को सप्लाई करने का काम कौन कर रहा है, ये मसल्स है और ये मसल्स जो है वो कैसे कैसे काम करती है, मूवमेंट कैसे करवाएगी। अब अगर हम बात करें कि इनको कौन कौन सी नर्व सप्लाई करेगी, है ना, ये हमने तीन नर्व की बात करें, हम तीनों के तीनों हमने कहा कि मोटर की नर्व है और तीनों की तीनों आई को मूवमेंट करवाने का काम कर रही है, है ना। और आई का मूवमेंट कैसे कैसे मूवमेंट होते हैं, तो हमने देखे कि आई में लैटरल मूवमेंट होता है, ऊपर की तरफ होता है, नीचे की तरफ अंदर की तरफ, इसके अलावा ऊपर की तरफ बाहर की तरफ, नीचे की तरफ अंदर की तरफ, ऊपर की तरफ अंदर की तरफ, नीचे की तरफ बाहर की तरफ, ऐसे मूवमेंट भी होते हैं। तो ये मूवमेंट करवाने का काम नर्व कौन करती है, है ना, नर्व भी तो फिर जिम्मेदार होगी ना। हमने तीन नर्व के नाम लिखे हैं और इतनी सारी मसल्स बनाई आई के अंदर, इनको जिम्मेदार जो है पर्टिकुलर नर्व जिम्मेदार होती है इनके लिए। तो हमने एक मिनोमिक्स बनाया, एक मिनोमिक्स बनाया LR6SO4R3, LR6SO4R3, LR का मतलब है लेटरल रेक्टस, LR का मतलब है लेटरल रेक्टस, जिसको 6 नंबर नर्व काम कराएगी, लेटरल रेक्टस, ये लेटरल रेक्टस है और इसको मूवमेंट करवाने का काम कौन करेगा, 6 नंबर क्रैनियल नर्व, यानी कि इस आई बॉल को लेटरल मूवमेंट कराएगी ये 6 नंबर क्रैनियल नर्व, है ना। SO4 का मतलब है सुपीरियर ऑब्लिक, SO4 का मतलब है सुपीरियर ऑब्लिक, और सुपीरियर ऑब्लिक का मूवमेंट करवाने का काम कौन करेगी, 4 नंबर क्रैनियल नर्व। और सुपीरियर ऑब्लिक का काम क्या है, अपवर्ड एंड आउटवर्ड, ऊपर की तरफ बाहर की तरफ, है ना, ये बाहर वाला हिस्सा है आई का और ऊपर वाला है, तो इसलिए ये जो सुपीरियर ऑब्लिक है ये क्या करेगा, ऊपर की तरफ बाहर की तरफ, और ये जो है ये नीचे वाला एरिया है, तो इनवर्ड और डाउनवर्ड ऐसे मूवमेंट कराएगा ये सुपीरियर ऑब्लिक। क्या है, हमने कहा कि LR6 लैटरल रेक्टस को 6 नंबर नर्व जो है वो सप्लाई करेगी, और 6 नंबर के नर्व कौन है, एब्डुसेंट नर्व है, और एब्डुसेंट नर्व क्या करेगी, लैटरल साइड में आई बॉल को मूव करवाएगी, कैसे मूव करवाएगी, लैटरल साइड में मूव करवाएगी, है ना। दूसरा हमने कहा SO4 का मतलब है सुपीरियर ऑब्लिक, और सुपीरियर ऑब्लिक को 4 नंबर क्रैनियल नर्व सप्लाई करेगी, और ये 4 नंबर क्रैनियल नर्व जो है ये कैसा मूवमेंट करवाएगी, तो ऊपर की तरफ बाहर की तरफ, यानी कि अपवर्ड एंड आउटवर्ड, और अंदर की तरफ नीचे की तरफ, यानी कि इनवर्ड एंड डाउनवर्ड, ऐसा मूवमेंट करवाएगी। इसके बाद बचता है R3, और R3 का मतलब है जितने ही रिमेनिंग रह गए पीछे, जितने भी काम पीछे रिमेनिंग रह गए वो सारे के सारे काम 3 नंबर क्रैनियल नर्व करवाएगी। जितने भी काम पीछे बच गए, क्या बचा, इंफीरियर रेक्टस, सुपीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस एंड इंफीरियर ऑब्लिक, इतने काम तो ये बचे। इसके अलावा एक जो है एक जो है ये जो आई लीड्स जो होती है,
जो आई को कवर करने का काम करेगी उसका मूवमेंट करवाना है, उसका इलिवेशन करवाना है ना, उसकी ड्रॉपिंग डाउन करवानी है, वो काम भी कौन करेगी? थर्ड नंबर ग्रेनियल नर्व करेगी। इसके अलावा प्यूपिल का रिफ्लेक्स जो होता है वो लाने का काम भी कौन करती है? तीन नंबर ग्रेनियल नर्व करेगी। प्यूपिल रिफ्लेक्स के लिए भी जिम्मेदार कौन होगी? तीन नंबर ग्रेनियल नर्व होगी। ये सभी छह नंबर वाली आउटर वार्ड इनवर्ड करेगी ना? नहीं, सिर्फ आउटर वार्ड, आउटर वार्ड आउटर मूवमेंट करेगी। चार नंबर वाली आउटर और सुपीरियर ऑब्लिक, चार नंबर जो है ये सुपीरियर ऑब्लिक को सप्लाई करेगी, और सुपीरियर ऑब्लिक जो है ये अप वार्ड एंड आउट वार्ड एंड इन वार्ड एंड डाउन वार्ड, इनवर्ड एंड डाउन वार्ड। यस, अपर वार्ड दोनों साइड पर होगी। हां, तिरछा मूवमेंट करवाएगी ना ये, ऐसे इस तरीके से है सुपीरियर ऑब्लिक। जैसे ये आई है और ये सुपीरियर ऑब्लिक जो है ये इस तरीके से है ना, ये मीडियल वाला साइड है और ये लैटरल वाला साइड है, तो ऊपर की तरफ बाहर की तरफ एंड नीचे की तरफ अंदर की तरफ मूव करवाएगी। बाकी जितने भी काम बचेंगे वो सारे के सारे काम कौन करेगा? तीन नंबर ग्रेनियल नर्व, जिसको हमने बोला ऑक्यूलो मोटर नर्व। अब हम वन बाय वन इसको पढ़ेंगे कि कौन सी नर्व कैसे कैसे काम आएगी। छह नंबर वाली आउटर वार्ड को सप्लाई करेगी लेटरल नर्व को। हाँ, छह नंबर लेटरल, इनफीरियर ऑब्लिक, ये जो है ये ऐसे जो जा रहा है ये तो है सुपीरियर ऑब्लिक है ना, और ये जो इस तरीके से चल रहा है ये इनफीरियर ऑब्लिक। बीच में जो है ये मीडियल रेक्टस, ये जो साइड में है ये लैटरल रेक्टस, ये भी लैटरल रेक्टस है, ये भी लैटरल रेक्टस है। जो ऊपर की तरफ है ये सुपीरियर रेक्टस, यानी कि ये वाला पार्ट जो है ऊपर की तरफ ये सुपीरियर रेक्टस, ये नीचे जो है इनफीरियर रेक्टस, ये लैटरल रेक्टस, ये मीडियल रेक्टस है ना। और इस तरीके से जो मूवमेंट होगा वो होगा इनफीरियर ऑब्लिक, और इस तरीके से जो मूवमेंट होंगे वो होगा सुपीरियर ऑब्लिक। जो मेरी आई के अंदर इस तरीके के मूवमेंट्स होंगे है ना, यानी कि नीचे की तरफ हो रहा है और अंदर की तरफ हो रहा है, ऊपर की तरफ हो रहा है और बाइक बाहर की तरफ हो रहा है, वो सुपीरियर ऑब्लिक करवाएगा। चार नंबर ग्रेन है रिमेनिंग जितने भी काम बच गए वो सारे के सारे तीन नंबर ग्रेनियल नर्व करेंगे। अब हम बात करेंगे रिमेनिंग कौन कौन से काम होंगे, क्या क्या करवाएगी तीन नंबर, कौन कौन से काम चार नंबर के और कौन कौन से काम है जो छह नंबर नर्व करवाने का काम कर रही है। छह नंबर क्रेनियल नर्व, SO4 का मतलब है सुपीरियर ऑब्लिक, S का मतलब सुपीरियर, O का मतलब ऑब्लिक, जो कौन करेगा? चार नंबर क्रेनियल नर्व, एंड R का मतलब रिमेनिंग, जितने भी सारे काम बच गए वो कौन कराएगी? तीन नंबर क्रेनियल नर्व करवाएगी। अब हम इनको वन बाय वन देखेंगे कि लैटरल रेक्टस क्या काम करेगा, कैसे करेगा है ना, वो सारे के सारे वन बाय वन पढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे सबसे पहले ऑक्यूलो मोटर,
सबसे पहले जो नाव आएगी वो आएगी ओकिलोमोटा नाव। ओकिलोमोटर और ओकिलोमोटर के लिए हमने टर्म काम में लिया है R3, है ना, R3। और चार नंबर के लिए था SO4 और छह के लिए था NR6, है ना। तो ये कौन कौन से काम करेगी ओकिलोमोटर? मोटर की नाव है यानी कि मूवमेंट करवाएगी ये। तो अब कैसे कैसे मूवमेंट कराएगी अगर बात करें तो क्या क्या बच गया पीछे? सुपीरियर रेक्टस, है ना, सुपीरियर रेक्टस किस किस को सप्लाई करेगी? सप्लाई टू दी सुपीरियर रेक्टस, सुपीरियर रेक्टस को सप्लाई करेगी। दूसरा इंफीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस को सप्लाई करेगी। तीसरा मीडियल रेक्टस को सप्लाई करेगी। मीडियल रेक्टस को सप्लाई करेगी। उसके अलावा और क्या क्या काम करेगी ये? तो और जो काम है वो क्या रहेगी? इंफीरियर ओब्लिक को सप्लाई करेगी, इंफीरियर ओब्लिक। इंफीरियर ओब्लिक को सप्लाई करेगी। इसके अलावा आई लीड की मसल्स को सप्लाई करेगी। आई लीड मसल्स, है ना। इसके अलावा प्यूपिल की मसल्स को सप्लाई करेगी। प्यूपिल की मसल्स को सप्लाई करेगी। और प्यूपिल्स में दो तरीके की मसल्स होंगी, एक होगी सर्कुलर और एक होगी ओब्लिक। दोनों को सप्लाई करने का काम कौन करेगा? ओकुलोमोटर। आई लीड्स के अंदर भी दो मसल्स होंगी, एक होगी लिवेटर पाल्पेब्राई, लिवेटर पाल्पेब्राई, जो जरूरी है किसके लिए? इलिवेशन ऑफ आई लीड्स के लिए, आई लीड्स का इलिवेशन करेगी। लिवेटर पाल्पेब्राई इलिवेशन करेगी आई लीड का, है ना। और एक है ऑर्बिकुलेरियस, ऑक्यूलाई, ये क्या करेगी? ड्रॉपिंग द आईलिड्स, आईलिड को ड्रॉप डाउन करने का काम करेगी। इंफीरियर ओब्लिक क्या काम करेगा? इंफीरियर ओब्लिक डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा आई का, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ आई। मीडियल रेक्टा, सॉरी सुपीरियर रेक्टस करेगा अपवर्ड मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट। इंफीरियर रेक्टस करेगा डाउनवर्ड मूवमेंट। एंड मीडियल रेक्टस करेगा इनसाइड मूवमेंट, और जो इंफीरियर ऑब्लिक है ये दो तरीके के मूवमेंट कराएगा। इंफीरियर ऑब्लिक जो है कुछ इस तरीके से था, ऐसा स्ट्रक्चर था आई का, ये जो था ये मीडियल रेक्टस था, ये जो है ये इंफीरियर रेक्टस था, सुपीरियर रेक्टस था, है ना। और एक था इंफीरियर ऑब्लिक जो इस तरीके से था, इंफीरियर ऑब्लिक कुछ ऐसे था जो क्या कराएगा? इनवर्ड, है ना, एंड आउटवर्ड, अपवर्ड एंड आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड। तो इनफीरियर ऑब्लिक कैसा मूवमेंट कराएगा? इन एंड अप, अंदर और ऊपर की तरफ, एंड आउट एंड डाउन, इस तरीके से होगा ये, है ना। तो इस तरीके से होगा, तो ये ऊपर की तरफ और अंदर की तरफ, नीचे की तरफ और बाहर की तरफ मूवमेंट कराएगा, है ना। इस तरीके से होगा इनफीरियर ऑब्लिक, और इस तरीके से होगा सुपीरियर ऑब्लिक।
तो ये क्या करेगा, इंफीरियर ऑब्लिक इनसाइड या इनवर्ड एंड अपवर्ड, इनवर्ड एंड अपवर्ड, आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड, तो ऑक्यूलो मोटर जो मोटर की नर्व है जिसके लिए हमने कहा था क्या क्या काम करेगी, तो सप्लाई करेगी सुपीरियर रेक्टस को, सुपीरियर रेक्टस को सप्लाई करके, जैसे नॉर्मली क्या है यहाँ पे है आई बॉल, तो ये क्या करा देगी आई बॉल को ऊपर की तरफ मूव करवा देगी, है ना, या ये क्या करा देगी आई बॉल को नीचे की तरफ मूव करवा देगी, या क्या करेगी आई बॉल को अंदर की तरफ मूवमेंट करवा देगी अंदर की तरफ, या क्या करेगी आई बॉल को ऊपर की तरफ एंड अंदर की तरफ, है ना, या ऊपर नीचे की तरफ एंड बाहर की तरफ, इस तरीके का मूवमेंट करवा देगी, है ना। क्या हुआ, हमने कहा ये कैसे कैसे मूवमेंट करा दी है, डाउनवर्ड मूवमेंट करा दी, इंफीरियर रेक्टस को सप्लाई करा दिए, तो ये क्या करा सकती है डाउन हो गया, है ना, डाउनवर्ड मूवमेंट करवाया, तो क्या करवाया इसने मूवमेंट कराया किसको, एक तो इंफीरियर रेक्टस को, और इंफीरियर रेक्टस क्या करवा देता है डाउनवर्ड मूवमेंट करवा देता है, एक हमने कहा सुपीरियर रेक्टस को सप्लाई करती है, तो सुपीरियर रेक्टस क्या करवाता है अपवर्ड मूवमेंट करवा देता है, है ना, आई बॉल का। इसके अलावा हमने कहा कि ये मीडियल रेक्टस को सप्लाई करती है, तो इनवर्ड मूवमेंट हो गया। इसके अलावा हमने कहा कि ये इंफीरियर रेक्टस को सॉरी इन्फीरियर ऑब्लिक को सप्लाई करती है, तो इन्फीरियर ऑब्लिक जो है ये कैसा मूवमेंट करवाता है, इनवर्ड एंड अपवर्ड या आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट हो गए। तो ये किस तरीके से क्या करेगी, मूवमेंट करवाने का काम करेगी आई को। इसके अलावा आई लिड्स की मसल्स होती है, आई लिड जो है जो ये आई के ऊपर एक पतली जो थिनेस्ट स्किन ऑफ बॉडी है, अगर जो बॉडी की सबसे पतली स्किन जो है थिनेस्ट स्किन ऑफ बॉडी कहां पे होती है, आई लिड्स के अंदर होती है, आईलिड जो आई को कवर करने वाली है, जो हमारी आईलिड है ना, इसके अंदर बॉडी की सबसे पतली स्किन होती है, और सबसे पहले स्टीफन मसल यही होती है, जब डेथ हो जाती है तो डेथ होने के बाद जो पर्सन होता है जिसकी डेथ हो गई है, डाइड पर्सन की आंखें बंद कर दी जाती है, क्यों, क्योंकि ये मसल जो है ये सबसे पहले क्या होगी स्टिफ होगी, और जैसे अगर ये स्टिफ हो जाएगी तो बाद में आंखें क्या नहीं है बंद नहीं हो पाएगी, खुली की खुली रह जाएगी, इसलिए क्या कर देते हैं बंद कर दी जाती है आंखें, है ना। तो फर्स्ट स्टीफन मसल ऑफ बॉडी पूछा जाए तो भी आईलिड्स की मसल होती है, और सबसे पतली स्किन पूछा जाए तो भी कहाँ होती है आईलिड्स में, और आईलिड्स में दो तरीके की मसल्स होती है, एक होता है लिवेटर पाल्पेब्राई मसल जो क्या करती है इलिवेशन करने का काम करती है, आईलिड को उठाने का काम करती है, और एक जो है वो ऑर्बिक्युलेरियस ओक्युलाई मसल्स होती है जो ड्रॉपिंग करने का काम करती है, आईलिड्स को नीचे गिराने का काम करती है। इसके अलावा हमने कहा कि प्यूपिल की मसल्स होती है, और प्यूपिल की मसल्स में दो मसल्स होंगी, सर्कुलर मसल्स और ऑब्लिक मसल, सर्कुलर मसल्स और ऑब्लिक मसल, ये क्या करेंगी, ये कॉन्स्ट्रिक्शन एंड रिलैक्सेशन के लिए जरूरी है, किसके लिए कॉन्स्ट्रिक्शन एंड रिलैक्सेशन के लिए प्यूपिल के, आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है प्यूपिलरी रिफ्लेक्स के लिए कौन सी नर्व जिम्मेदार होती है, फॉर प्यूपिलरी रिफ्लेक्स विच क्रैनियल नर्व इज रिस्पॉन्सिबल, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्यूपिलरी रिफ्लेक्स के लिए कौन सी क्रैनियल नर्व जिम्मेदार होती है, प्यूपिलरी रिफ्लेक्स के लिए कौन सी क्रैनियल नर्व जिम्मेदार होती है, ये बात आपसे पूछी जा सकती है, तो प्यूपिलरी रिफ्लेक्स के लिए कौन सी क्रैनियल नर्व जिम्मेदार होती है, ऑक्युलो मोटर क्रैनियल नर्व, तीन नंबर की नर्व जो कि मोटर नर्व है। होता क्या है ये प्यूपिलरी रिफ्लेक्स, तो जब हमारी आई के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल जाने वाला होता है और हमें ऐसे पता चल जाता है कि फॉरेन पार्टिकल जा रहा है, और जैसे हमारी आई के नियर पहुंचता है हमारी आंख अचानक से बंद हो जाती है, है ना, तो आंख का अचानक से बंद होना क्या है प्यूपिलरी रिफ्लेक्स है, तो ये बनाने का काम कौन करता है ऑक्युलो मोटर। यस, सर आप कौन
कंस्ट्रक्शन का कंस्ट्रक्शन का बताया था आपने क्या डाइलेशन का तुमने बताया ट्यूबल के हाँ बुलों के अंदर ये वो तो सिंपल था टिक पर बोर्ड में आ जाएगा डाइलेशन और रिलैक्सेशन दोनों करने का काम करते हैं क्या ना ये क्या करेंगे जैसे ही जब हमारी आंख पे कोई भी लाइट वगैरह डालते हैं तो प्यूपिल जो है वो डायलेट होता है ना कॉन्स्ट्रिक्ट होता है तो जब लाइट डालते हैं ना आंख पे तो प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट होता है जब डिम लाइट में जाते हैं ना प्यूपिल डायलेट होता है तो जो है प्यूपिल को लाइट डालने पे जो कॉन्स्ट्रिक्शन और डायलेशन जो होता है कॉन्स्ट्रिक्शन जो होता है वो भी जो हम देखते हैं वो भी किसकी वजह से होता है वो किलोमीटर नरों की वजह से होता है ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ट्रेन एग्जाम में ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स के बारे में पूछा जाता है कि ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स के लिए ये है ना इनसाइट मालूम करते हैं स्पेलिंग समझ में नहीं आ रहा है क्यों स्पेलिंग समझ में नहीं आ रही कौन सी